आप सब व्यूवर्स का हम खैर मकदम करते हैं स्पोर्ट्स हब में। मैं हूं सूफी परवेज और मेरे साथ बीसीसीआई रेड्स टीम के कप्तान जुबैर डार मौजूद है। और जुबैर डार जो कि बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी भी है, सबसे पहले आपका खैर मकदम स्पोर्ट्स हब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो जुबैर साहब, हम स्पोर्ट्स हब की पूरी टीम की तरफ से आपको एंजलस ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद देते हैं और आपने उस एंजलस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो सर, आप ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल बारामूला में आपने क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा प्रोज भी किया है और मुस्तकबिल में क्रिकेट क्रिकेटर या फिर दिग्गज जो खेल है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ अनुमान करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए इतनी दूर से, और फिर आप यहाँ पर आपने यहाँ पर ये जो मैच है आज का ये लाइव किया। मैं इस बात के कायल हूँ कि मैं समझता हूँ इस चीज़ को, और सभी जितने भी सपोर्ट्स लवर्स हैं, जितने भी कश्मीर में जितना भी यूथ है, वो सब आपका शुक्रगुजार है, क्योंकि जो मीडियम आपका है उस मीडियम से जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड आपने बनाया आप लोगों ने, आप यकीन कीजिए इट्स ऑफ यू गाइस। क्योंकि आप मतलब आजकल क्या है, अगर हम इससे पहले, मैं अभी कह रहा था इनसे कि अगर इससे पहले हम 70% मैच में देते, लेकिन आज आपकी वजह से, आपके मीडियम की वजह से 110% देना पड़ता है, क्योंकि सभी कहते हैं मतलब कि वो हमारे घर वाले कभी मैच नहीं देखते थे। आप यकीन कीजिए, अभी जब सुपर ट्रॉफी आपके इस पर लाइव हुआ था तो मेरी मम्मी पूरी आप स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देख रही थी, मतलब या जहूर के घर वाले या सभी घर वाले, सभी ने एक दूसरे को फ़ोन भी किया। मतलब ये जो कल्चर है, ये जो मीडियम, ये जो स्टैंडर्ड है जो क्रिकेट का आपने ये किया, सो हैट्स ऑफ टू द ऑल द पेजेस, नॉट ओनली यू, जितने भी पेजेस काम कर रहे हैं, जैसे आप हैं, सपोर्ट्स हब है, जेके सपोर्ट्स है, या कश्मीर सपोर्ट्स वॉच है, तीन उस जितने भी पेजेस हैं। और मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, रादर कि वैसे छोटे मोटे कमेंट्स लिख के यार ये ऐसे मत बोलो, ये बहुत बड़ी बात है, आप ग्राउंड में रहते हैं, बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए मैं दिल की उम्मीद गहराई से आपको, मैंने अभी भी कहा कि आई डोंट नो वेदर हु इज़ गोइंग टू फैसिलिटेट यू गाइज, बट बारामूला क्रिकेट फोरम इज़ going to have a award ceremony this year and we are going to facilitate all support speeches this year. बहुत शुक्रिया आपका, और क्योंकि आप बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं और आपके आने से बारामूला में क्रिकेट जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा, तो जो यंगस्टर आ रहे हैं उन्हें आगे ले जाने के लिए बारामूला क्रिकेट फोरम क्या करने जा रहे हैं? हमारा यही है, सबसे बड़ा जो मसला हमारा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए क्रिकेट तो हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हम मैचेस बहुत ज़्यादा खेलते हैं, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ट्रायल्स हुए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादा मैट क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें क्या है, हमें टर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, और आपको पता है जेहलम स्टेडियम में टर्फ बनाकर है, सिर्फ वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी हाइड्रोलिक रोलर। और एक खुशी की बात मैं आपके मीडियम से बता दूँ, विद इन कुछ ही दिनों में बारामूला में हाइड्रोलिक रोलर आ चुका है, वो हैंड ओवर टेक ओवर बस होने वाला है, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर परवेज रसूल एंड सलीमुर रहमान साहब, जिनने इतने एफर्ट्स दिए। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा बांडीपोरा में भी रोलर आया, तो मैं परवेज भाई को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपका क्रिकेट कैसे डेवलप हुआ, आपने देखा साउथ कश्मीर में क्रिकेट कैसे डेवलप हुआ, जब आपके पास टर्फ है, और वो वहाँ पर उनने खुद इनिशिएटिव लिया, हमें भी इनिशिएटिव लेना। लेकिन बड़ी बात ये थी कि 5 लाख रुपए का हाइड्रोलिक रोलर आता था, वो हम एफोर्ड नहीं कर सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परवेज भाई, सलीमुर रहमान साहब, उनने एफर्ट्स दिए, उनने कंसर्न दिखाया, मुझे लग रहा है कि अभी बांडीपोरा पहुंचा, अभी बारामूला भी पहुंचा, इसके बाद सभी डिस्ट्रिक्स में। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में अब आपके आने के बाद बारामूला क्रिकेट कहाँ जाएगा? हम देखिए, हम रहे या ना रहे, जो भी रहेगा बारामूला क्रिकेट फोरम के साथ, बारामूला क्रिकेट फोरम में ये है, सिंसियरिटी है, क्वालिटी क्रिकेट को ध्यान देते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा क्रिकेट हो जैसा कि हमारे लड़के, मतलब आपको पता कितने डिप्रेस्ड हैं। देखिए इश्फाक जैसा टैलेंटेड, ही प्लेड कर्नाटका प्रीमियर लीग, ये छोटा मोटा टैलेंट नहीं है, लेकिन आप ऐसे विकेट्स पे इसका टैलेंट नहीं देख सकते। आपको ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि ऐसे लड़के जो है जिनने अपना लोहा बाहर सेटू में मनवाया है, तो ये वैसे लड़के हैं, जहांगीर लोन है, जहूर जोलू है, नासिर है, या जहांगीर बख्शी, ये ऐसे लड़के हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और उसी चीज़ पर हमारा ज्यादा ध्यान। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने रोलर की बात की, रोलर का इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद टर्फ का इस्तेमाल होगा, तो बारामूला में 20 ओवर से आगे बढ़ने का कुछ इरादा? अभी हम 2 डेज करा रहे हैं, अभी हमने अभी मीटिंग की थी सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, कुछ ही दिनों में हम 2 डेज करा रहे हैं, लेकिन मैटिंग पे करा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो हमारा रोलर है अभी वो ऑफिशियली हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है,
लेकिन इंशाल्लाह इस साल हम पूरा स्क्रैच कर रहे हैं अपनी टर्फ, और इंशाल्लाह जहलम स्टेडियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ टर्फ के लिए रहेगा। तो बैटिंग सिंपल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एसोसिएशन का काम बाद में क्रिकेट खेलना और किसी शिकायत का मौका नहीं देना किसी को, कैसे मैनेज करते हैं? सभी क्रेडिट जो है मेरे घर वालों को और मेरे दोस्तों को जाना है जो हमेशा मेरे को बूस्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए, क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना और उसके बाद क्रिकेट खेलना भी। मैं इसका क्रेडिट जो है पहले तो अल्लाह को देता हूँ और उसके बाद सभी अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को और स्पेशली परेश भाई को देता हूँ। परेश रसूल जो है वो हमारे स्टार है, वो हमेशा फ़ोन करते हैं, हमेशा पूछते हैं, हमेशा बोलते हैं कि ज़ुबैर नहीं यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना चाहिए आपको, हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं। देखिए स्टार्स बहुत होते हैं, वो फिर उठकर निकल जाते हैं, लेकिन वो स्टार है जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है और अपने लड़कों के लिए काम कर रहा है और अपने यूथ के लिए काम कर रहा है। सो मैं हमेशा उनको इंस्पिरेशन समझता हूँ और सबसे यही कहता हूँ कि हमेशा उनके लिए दुआ करें कि वो बहुत ज़्यादा इससे भी आगे बढ़ते रहें। अच्छी बात है ज़ुबैर, आप परवेज़ रसूल को इंस्पिरेशन अपनी मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसने ऐसा कारनामा किया, ऐसा काम परवेज़ रसूल कर रहा है, तब जाके आप उसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। क्या कभी थकावट महसूस होती है क्या यार बस छोड़ दो यार आज नहीं करेंगे कल करेंगे? क्रिकेटर के लिए थकावट का टाइम दिया गया है कश्मीर, अभी 3 महीने आ रहे हैं तो अभी सारा जो है अभी 3 महीने हम रेस्ट करेंगे तो थकावट का उसी से फिर हो जाता है। अच्छा एक गैप क्रिएट हो जाएगा, आपने विंटर की बात करी तो क्या विंटर में कुछ स्पेशल प्लान करने जा रहे हैं हम? लास्ट ईयर आपने क्या हमने पिछले साल बारामूला क्रिकेट फोरम की तरफ से कम 40-45 लड़कों को भेजा था इस क्रिकेट एकेडमी के लिए हरियाणा, इस साल हम फिर कर रहे हैं। और एक टीम जो हमेशा जाती है हमारी BCCP टीम, जिसमें हम मुख्तलिफ लड़कों को डिस्ट्रिक्ट से लेते हैं बाहर स्टेट में खेलने के लिए, इसलिए कि लड़के कंटिन्यू खेलते रहे और इनका जो टैलेंट है वो कहीं दब ना जाए और इनको वो एक्सपोजर मिले, ताकि इनको जब बाहर के लड़कों से जब ये खेलते हैं तो उनका वो जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है और इनको पता लगता है अपनी कैपेबिलिटीज। चलो ज़ुबैर आपने हमारे साथ बात की, स्पोर्ट्स सबके साथ बात की, आपके बड़े अच्छे ख्याल आते हैं, आप में डेडिकेशन हमें नज़र आया, जज्बा है आप में और हम आपकी कदर करते हैं, हमें हमेशा हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे इस फील्ड में। थैंक यू थैंक यू थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।